एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। वीडियो तो मैं छोटा छोटा वीडियो शॉर्ट वीडियो में पोस्ट कर देती थी ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के थ्रू मेरी थोड़ी सी अपडेट मिल जाए। एंड जो लोग मेरे ब्लॉग का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को, बाकी सब लोगों को नहीं। बाकी वरना तो कोई कॉमेंट कर दें कि मैं तो इंतजार ही नहीं कर रहा था, ये आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हैं। तो बस, एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब ठीक थी, जैसे कि मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, थोड़ी सी ठंडी मौसम कर दे रही है, बारिश वाली मौसम कर दे रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब वीडियो भी बनाने की मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर से भी अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरा चीज़ ये कि थोड़ी मैं बिज़ी भी थी, और ब्लॉग जब भी मैं सोचती हूँ बनाने के लिए, फिर सोचती हूँ कि मतलब एक थोड़ा सा मन उदास हो जाता है मेरा, कि नहीं व्यूज़ ही नहीं आते तो क्या मैं ब्लॉग बनाऊँ। बट एक होता है ना कि आदत हो गई है मेरी ब्लॉग बनाने की, तो लगता है 2 से 3 दिन होता है तो लगता है नहीं मुझे ब्लॉग बनाने के लिए बहुत दिन हो गया, ऐसा लगता है मुझे। तो कोई बात नहीं, व्यूज़ आए चाहे नहीं आए, वो तो मेरा मतलब मेरा शौक है, तो मैं वीडियो बनाती ही रहूँगी। एंड ये देखिए, मैंने मेहंदी लगा लिया बिकॉज कल है करवा चौथ, और ये बहुत सोना लग रहा है ना, इसी जगह पर मैं दुर्गा माँ का पूजा करती हूँ। तो ये देखिए फ्लावर सारा लटका हुआ है ना, तो ये मैं दुर्गा भगवान का पूजा करती थी और आज सोना लग रहा था। इसको देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटा, हाँ देखो, इसी की चढ़ती हुई लड़की गिरेगी तो कहाँ जाएगी पता नहीं। एंड कल एक करवा चौथ, इसलिए मैंने वन हैंड पे मेहंदी लगा लिया, वन हैंड पे मैंने मेहंदी नहीं लगाया। देखती हूँ कैसे लग रही है मेरी मेहंदी वैसे। और एक्चुअली क्या है ना कि जो भी मैं पहनने वाली हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं, वो मैं आप लोग मेरा करवा चौथ का ब्लॉग में देखना। तो जो भी मैं पहनने वाली हूँ, सो उसकी जो बाजू है, सो मतलब पूरा फुल बाजू है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मैंने मेहंदी लगाया, बस मैंने कलाई तक मेहंदी लगाया है, बिकॉज दिखेगी तो स्टिप बैक एंड फ्रंट साइड की दिखाई थी ना। मेरी बेटी देखो क्या कर रही है, सारा पानी गिरा दी है और इसको मतलब, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरे कल के छोटे छोटे से शॉर्ट वीडियो में, कि मैंने सारा शॉपिंग कर लिया है करवा चौथ का। सारा शॉपिंग मीन्स करवा चौथ का जितना तैयारी की पूजा का सामान होता है तो वो सब मैंने कर लिया है। और आज सोचिए, चलो आज मुझे ब्लॉग बनानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी तीन चार दिन हो गया था आई थिंक, तो इसलिए आज ब्लॉग बनाने के लिए हो गई। और पता है क्या, एक्चुअली इतना बारिश हो रही है ना, इतना बारिश से कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इतना मेरा कपड़ा वगैरह सारा भींग जा रहा ना, कि घर के कामों में मैं बहुत ज़्यादा थोड़े से बिजी हो गई थी, और पापा जी भी मेरे हैं तो थोड़ा सा सब कुछ टाइम ही होता है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी। और बारिश अभी भी हो रही है गाइस, अभी भी। एंड आप लोग बताना है कि आप लोग जो लोग कर रहे हैं करवा चौथ, सबकी आप लोगों की तैयारी हो रही है। और एंड कल गई थी अपने बाबू के लिए ना छोटा सा अलमीरा टाइप का लेने के लिए, अलमीरा ही लेने के लिए। और ये अलमीरा ना मेरी मम्मी मेरे बाबू को गिफ्ट कर रही है, मतलब ये छोटा सा गिफ्ट है अभी, तो उन्होंने बोला ना कि एक अलमीरा ना बाबू के लिए ले लो, वहीं से मैं पैसे यहाँ से भिजवा दे रही हूँ, बिकॉज वहाँ से आने में ना पटना से आने में तो थोड़ा सा झंझट हो जाएगा, तो तुम यहीं से ले लो ठीक है। तो क्योंकि बाबू के लिए मैं सोच रही थी बहुत दिनों से एक सेपरेट अलमारी खरीदने के लिए, छोटू सा, जिसमें बाबू का मेरा सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ रहे, तो वही बस मम्मी बोली नहीं ये मैं दूंगी, तो तुम जाओ और ले लो, बस ये मेरी तरफ से रहेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, और कल मैं वही चीज़ लेने के लिए गई थी, बट कल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, इसकी वजह से मैं सिर्फ एक ही जगह गई, उसके बाद नहीं गई, क्योंकि एक जगह जहाँ मैं गई ना वहाँ पर वर्ड्रॉप मिल रहा था, मुझे वर्ड्रॉप नहीं लेनी थी, क्योंकि एक है मेरे पास वर्ड्रॉप, और वो है ना एक्चुअली वो मतलब ख़राब हो जाता है बाद में, उसका जो ड्रॉपर टाइप का जो होता है ना चैन जो लगा रहता है ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मुझे ना गोदरेज लेनी थी छोटा सा, तो वो वहाँ पे नहीं था। एंड दूसरी जगह हम लोग जा रहे थे उससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, और बहुत तेज़ बारिश होता, उससे पहले हम लोग सोचे घर चले जाते हैं, बिकॉज बाबू थी हम लोग रहते तो कहीं भी जाके खड़े होकर थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेते, बट बाबू भींग जाएगी तो फिर उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो देखते हैं आज जाने का, फिर सोचे हैं कि आज आते हैं, और मेरी करवा चौथ की तैयारी कुछ नहीं भी हुई है, कुछ हुई भी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज कुछ नहीं मीन्स कुछ चीज़ मैंने मंगवाया है वो अभी तक आया नहीं है, एंड कुछ हुई है मीन्स जो मैं सिलेक्ट की थी ड्रेस, वो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, तो वो तो कंफर्म है, बट
देखती हूँ क्या होता है। तो चलो मैं आप लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहूँगा। तो यहाँ पे बाबू टीवी देख रही थी, सो मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। एकदम शांत से टीवी देखती है, अगर टीवी स्टार्ट रहता है तो बस वो टीवी यहाँ पे देख रही है। एंड बस अभी एड्स चल रहा है, वैसे वो गाना सुन रही थी। और यहाँ पे मेरा प्लांट देखिए गाइस, जो सो प्लांट मेरा टकला हो गया था, जिसको चूहा ने सारा पत्ता काट दिया था, वही मेरा फिर से हो चुका है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। जाने के लिए और जा रही हूँ, अब बाबू को भी रेडी कर देती हूँ। नैना देख रहे हो ना, जैसे ही मोबाइल में स्टार्ट की नैना, और आज मैं कुछ अलग ढंग का, मतलब मैंने मेकअप किया, मतलब मेकअप नहीं किया, बिंदी लगाया अलग ढंग का। और ये कैसे लगेगा इसको, जब तक आप नहीं दोनों मोबाइल से तक खिलाते रहेगी गाइस, तो इस पर चढ़ जाते, इस पर चढ़ जाते। तो जा रही हूँ और मिलती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। एंड कैसा लग रहा है ये लुक मेरा, मुझे बताना जरूर कैसे लग रही हूँ। और अभी तक मैंने कंघी नहीं किया, चलो मैं तुम्हें पहले रेडी कर लूँ। ना देखिए हम लोग ले चुके हैं गोदरेज, बट अनफॉर्चुनेटली मैं गोदरेज वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी मैं भूल गई थी। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कुछ लेने के लिए, मीन्स चाउमीन एंड पनीर चिली, क्योंकि कल मेरा फास्टिंग है। तो सोचते कि अब बनाऊँ क्या, मैं यहीं से ले लेती हूँ, बिकॉज आज ना बना था मछली, तो मेरा अभी और पापा जी मछली खाए, मैं नहीं खाई, तो वो सारा बचा हुआ है, तो सिर्फ मुझे अपने लिए बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। एंड बस वो पैकिंग हो रहा है, एंड उसके बाद जाएंगे घर। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ घर पे। एंड बाबू को देखिए गाइस, बार बार वो उस बच्चे के पास जा रही है, वहाँ पे जो बच्ची बैठी हुई है ना छोटी सी, वहाँ पे ही देखो, अब वो भी बच्ची जाने के लिए रेडी हो गई है। और यहाँ पापा जी बाबू को खिला रहे थे और डांट रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, वही दिखला रहे कि देखो ना, जैसे ही मैं डांट रहा हूँ उसको वो रोने लगी है। और मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ खाना खाने के लिए गाइस, तो चलिए आप लोग सब मिलते हो खाना खाने के बाद। एंड यहाँ पे हबी मेरे मेहंदी लगा रहे हैं, जो कि मेरे एक हजन हबी बोली थी ना मैं कि नहीं लगा पाई, तो हबी को बोला आप लगा दो, तो हबी लगा रहे हैं। एंड जैसा भी लगाए कोई बात नहीं, पति के ही नाम का तो हम लोग कहाँ करवा चौथ कर रहे हैं, एंड वो जैसा भी लगाए चलेगा। एंड ये देख रहे हो लगा जाली, मतलब जाल बना दी है किसी चीज़ का, बट कोई बात नहीं, अच्छा है। सो चलो आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, करवा चौथ के ब्लॉग में।